हाँ, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं कुरमा साइड उधर, और उधर एक गाय लिए हम, है ना, और वो दूध करता है 10 किलो। आप लोग कोई भी आ सकते हैं मेरे घर पे, और खीर पुआ, ये माल पुआ सब खा सकते हैं। तो अभी हम लोग अभी फिलहाल तो चल रहे हैं, अभी इसका दर्शन करने के लिए आए, तो चाय पी लेंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो अभी चलते हैं, और दरअसल काम यहाँ पे ये है अभी कि कार का जो है ना हवा चेक करना है हमको, नया टायर जो लगाए थे अब उसमें कितना हवा घटा या क्या हुआ, तो वो दरअसल चेक कराना है अभी चारों टायर का हवा। तो वहाँ पे लगाइए, चलिए हवा चेक कराएंगे। तो अभी हवा चेक कराएंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। फिर कार में कितना हवा रहना चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बट अभी तो आप लोग देख सकते हैं, ये मतलब हम 25 पॉइंट रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं मीटर। अभी तो ये 25 पॉइंट हम लोग रखे हुए हैं चारों टायर में, और 25 ही रखेंगे। और आप लोगों को बट पता हो कि कितना हवा रखना चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उतने ही कार में रखेंगे। और पीछे वाला में 30 करके रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं। बस वो जो है ना बड़ा टायर है थोड़ा, और ये छोटा है, 30 है। हाँ, इसमें भी 30 है, तो ठीक ही है लगभग। ये टायर है ना छोटा है, इसलिए इसमें 5 पॉइंट ज़्यादा रखे हुए हैं, क्योंकि ये ऊंचा हो और वो दबे तो बराबर हो जाए। कितना है इसमें? इसमें भी 30 है। 30 है, ठीक है। फिर उसमें देखिए 25 है कि नहीं, इसमें कितना है? 25। तो आगे दोनों में 25 है, पीछे में 30-30 है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। और आप लोग टाइम देख सकते हैं, 5:27 में हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। बट अभी कार से निकल के बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, है ना, जो कि बाहर में बैठे हुए, बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, इधर बारिश हुआ है दवा के, जिसके वजह से स्कूटी लेके नहीं आया है। आप लोग देख सकते हैं इधर अंदर में बैठे हैं सब लोग, और वो ये चला रहे हैं, ये यहाँ पर चला रहे हैं ये, और हम बाहर निकल के बोलिए हाय, उसके बाद देख के चाय वाय पी के घूम के आएंगे। तो अभी बट हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और मतलब कि धान वान सारा छत पे ही था, जिसके वजह से बारिश हुआ था, तो हम लोग लेट से जा रहे हैं, बट लेट हो गया है और टाइम भी बहुत हो गया है। तो अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं, और आप लोग बने रहे हमारे साथ, अभी चलते हैं उधर। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये भरमू क्या खा लिया है, 100 इलायची मुंह में ठूस लिया है। तो इसको बोलने में नहीं हो रहा है, और आप लोग देख सकते हैं, और ये पलवा के डाउन आप इसे मिल सकते हैं। अगर पलवा में कोई भी दादागिरी वाला काम हो, दादा से आप लोग, छोटू दादा ना हो है, और कौन वाला छोटू दादा, वो वाला नहीं जो वीडियो में देखते है, बड़का छोटू दादा है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और छोटू दादा के बगल में वो बैठा हुआ है, तो उससे ट्रेनिंग ले रहा है कुछ वो, ये ब्लॉगर। और अभी कितना ट्रेनिंग लिया, क्या लिया है, कैसे उड़ाना है यहाँ तक हुआ है। अच्छा, अभी कैसे उड़ाना है यहाँ तक हुआ, गायब कैसे करना हो सीखेंगे। अच्छा, तो उसके बाद अभी हम लोग चल रहे हैं, और ये क्या क्या खा लिया है, और वो भी खाया है, दोनों मिल के खाया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये दोनों आज पीछे बैठा हुआ है, और अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। जो गए वहाँ पे और गाय देख लिए, तो वो बहुत अच्छा है, और दूध भी बहुत करता है, दूध 12 किलो करता है। तो हम गाय तो हमको पसंद है, तो घूम घाम के तो चले आए, रास्ते में रुके थे, तो अभी दूध लेके आए हैं, और अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं हम रूम पे। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।